कल रात को जैसे तैसे करके हम लोग नेपाल तो पहुंच गए थे। ओए बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई, एक सेकेंड। हाँ जरा सा घर से बाहर क्या निकलो टैनिंग होने लग जाती है। तो भैया कल हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे जैसे तैसे करके नेपाल, और अभी थोड़ी देर में बाकी की कहानी बताता हूँ, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। रोज की सुबह की वही कहानी, हमारा ब्रेकफास्ट। लेकिन आज ब्रेकफास्ट कैसी जगह हो रहा है, एकदम प्राइवेट कंपार्टमेंट, पीसी ना यहाँ भी है, बच्चे का केक पैसा बोलता भाई, ये तो इको हो रही है। हेलो हेलो, तो ये इको सोचो किस लिए प्राइवेट दिया गया, इको में इको होगा। चलो आज सुबह का ब्रेकफास्ट आलू के पराठे और दही। इसका मतलब कैसे हो? इफ आई एम नॉट कैरिंग एनी कैंपिंग सेटअप तो लगेज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, और यू नो सॉर्टेड करना भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। इवन जब हम लोग किसी प्लेस पे पहुँचते हैं और होटल रूम में जाना होता है तो सिंपल बस एक पैनियर खोलना है और अपना नाइट वाला सूट लेना है और सीधा रूम में पहुँच जाना है, फिर सुबह मतलब उतनी मेहनत कम हो जाती है। लेकिन अभी अगर मेरे साथ में कैंपिंग सेटअप होता तो भैया मैनेज करना बहुत मुश्किल होता और लोड अनलोड करने में भी टाइम लगता। बट अभी अपने पास जो लगेज सेटअप है ये एक्यूरेट है जैसे हमारी पहले निम्बस में था, तो अभी मैनेज करना इजी है। मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे सेट करनी है, तो इसीलिए अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम लोग पहुँच गए थे कल नेपाल। नेपाल एंटर करते ही हमने ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर बाद होटल ले लिया था, दी SR होटल। वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, फूड भी अच्छा था, रूम भी अच्छा था, अच्छे से रात को सोए, फ्रेश हो गए। बाकी अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब से हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं भैया, सुबह जो होती है हमारी निकलने के होटल से मज़ा ही आ जाता है। कहीं सब्सक्राइबर्स मिलने आ जाते हैं, कहीं लोगों की इतनी भीड़ लग जाती है, क्या ही बताऊँ। वो तो आपको कैमरे में दिख ही रहा होगा। फिलहाल आज निकल रहे हैं हम लोग सीधा सोनौली बॉर्डर से बंदीपुर के लिए। देखते हैं बंदीपुर पहुँच पाते नहीं, क्योंकि हमें जो रूट लेना है वो लेना तो पोखरा की तरफ से ही है, लेकिन बीच में से एक राइड कट आएगा जो हमें बंदीपुर लेके जाएगा। पनांग जाने के लिए यही वाला रूट दिखा रहा है और काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी था हमने, तो आज हम लोग यही रूट फॉलो कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और जो ये 20 किलोमीटर थे जिसमें से 10 किलोमीटर का रास्ता था इतना खराब कि मज़ा आया ऑफ रोड करके। बस एक थोड़ी सी टेंशन थी मुझे टॉप बॉक्स की कि ये भाई साहब निकल के नीचे ना लेट जाए, बट अभी तक तो ठीक है। लेकिन अभी जब ऊपर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक रोड मिलने वाले हैं। देखते हैं कैसी परफॉर्म करते हैं बाइक। भाई जो होगा सब कंटेंट है, अगर ये टूट के गिरेगा तो कंटेंट है। यस, कंटेंट लर्निंग है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो पता लगेगा कि कितना स्टेबल है कितना नहीं है। तो कल रात को जो लेट हो गए थे हम लोग आते आते, तो बहुत कम पैसे कन्वर्ट कराए थे, लेकिन पाजी ने मेरे को बताया कि हमें जो मिला है 1 रुपये का, वैसे तो नेपाली करेंसी 100 रुपये में 160 रुपये मिलता है, तो जब आप कन्वर्ट कराते हैं तो कुछ परसेंट कट जाता है। तो पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे मुझे मिला था 100 रुपये का 140 रुपये, मतलब 20 रुपये की कटौती हुई थी। लेकिन इस बार जो पाजी को मिला है 158 रुपये, सिर्फ 2 रुपये की कटौती हुई है। देख रहे हो कितना फ़र्क है, मतलब जो मार्केट है ना वो कभी भी अपडाउन हो सकती है। You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up.
क्या हुआ भाई, क्या कैसे रो रहे तू? इसके साथ कहानी हो गई। लाइफ में ना सबसे महंगी कांच वाली 10 रुपए की बोतल पी जो हमें अपने दिल्ली में मिलती है। हाँ। सोचो वो कितने की होगी स्लाइस। इन्हें तो पता है, ये मेरे ब्लॉग देख चुके हैं, तू बता ना। नहीं, वालों को नहीं पता। भाई 70 रुपया ले लिया भाई, 70 रुपया पीने के बाद बता 70 रुपए की है, बड़ा तेज आदमी। कोई बात नहीं, अभी नया बच्चा है ना, सीख जाएगा धीरे धीरे। पहली शॉपिंग करी है इसने, पहले नोट खोले हमारे इंटरनेशनल है ना। सही है भाई, सही है, कोई बात नहीं, होता है, होता चूचू चूचू होता है। लूट लिया मुझे। चलो ये तो चलता रहेगा हमारी सीरीज के अंदर। अभी स्नैक्स ब्रेक लिया था बीच में रुक के, बहुत बढ़िया सा वाइब आ रही है। मतलब पेड़ के नीचे छाया देख रहे हो, कितनी डार्क है, मतलब बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। चलाते टाइम लग रही थी गर्मी, रुके मजा आ रहा है। ओके, तो कुछ भाई लोग मिले थे, बैठ के बातचीत करने लग गए, अपनी राम कहानी सुनाने लग गए। अच्छा लगता है जब इस तरीके से लोग मिलते हैं, जब रोड ट्रिप के अंदर मजा आता है। चलो अभी आगे की तरफ चल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और अभी ऐसा टाइम हो रखा है ना गर्मी का कि नींद आ रही है। जिस स्पीड से अभी मैं चल रहा हूँ ना, झूला झूलना जैसा फील होता है, और ज़्यादा नींद आती है बाइक चलाते हुए। आके अभी थोड़ी देर बाद एक सस्पेंशन ब्रिज पड़ेगा, बहुत ही अमेजिंग है। पिछली बार मेरा मिस हो गया था जब मैं इसुजू से आया था, तो इस बार तो अपन पक्का जाएंगे यहाँ पे। बाकी अभी मैंने पीछे वाला शॉट लगा दिया है 360 लगा के, देखता हूँ अगर ज़्यादा जंप करेगा तो हैवी वाली मेरे को सेल्फी स्टिक लेनी पड़ेगी। बाकी स्टेबल आ गया तो बात ही अलग है। बाकी कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं शॉट्स आज वाली वीडियोस के, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि बाइक्स में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना। तो आपको इस सीरीज़ के द्वारा सिनेमेटिक शॉट्स बहुत देखने के लिए मिल रहे होंगे, लेकिन अभी अभी क्या है कि एक और मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत जगह है नेपाल के अंदर। जब हम लोग पोखरा की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे पहले पड़ती है कुछ लगभग 70 किलोमीटर पहले, तो आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सस्पेंशन ब्रिज। जितने लोगों ने नेपाल विजिट किया या नेपाल की वीडियो देखी है उन्होंने कन्फर्म देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा, चलो मैं अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़, गर्मी बहुत हो रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही वहाँ से निकले ना भैया, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन, मतलब बाइक भी नहीं चल रही थी, इतना स्लो बाइक चला रहा था कि टर्न्स लेने में ना चक्कर से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। फिर वहाँ से जैसे तैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े, बीच में एक रेस्टोरेंट मिला, थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए रुक गए ताकि अपनी एनर्जी वापस आ सके। तो चाय बनवा ली है, चाय आ गई है। पाजी शाम की चाय, कौन सी वाली चाय? पीछे तो देखो, पीछे पाँच बजे के बाद की चाय। और तू कौन सी चाय ले रहा है भाई? चलो भैया, नेस कैफे में आ गई हमारी बढ़िया वाली चाय, और बहुत अच्छा सुंदर रेस्टोरेंट बना रखा है। लो जी, निकल के हम लोग काटे घर से, चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे यहाँ पे, अच्छे से पी लिया, फ्रेश हो गए। यू नो, बाइक ट्रिप में यही रहता है कि चलते रहो, रुकते रहो, चाय पीते रहो, और आपको ना हर जगह की ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चाय पीने को मिल जाती है। फिर ना आप डिसाइड कर लेते हो कि यार इसकी अच्छी नहीं थी, उसकी अच्छी थी, तो जब आप रिटर्न आते हो ना तो आप उसी पॉइंट पे रुकते हो। बट हमें 100 अपनी इंडियन करेंसी में 100 रुपीज़। चलो ठीक है, लेट्स गो।
मैंने बोला था एक्सपेंसिव पड़ेगा अपना। मैं सोच रहा था कि हम लोग पोखरा पहुँचते ना होटल वगैरह में शिफ्ट लेंगे, लेकिन जैसे एंटर किए पाजी ने बोला यहीं रुको और एक बिल्कुल ठीक पास में देवीज वाटरफॉल नाम से जगह है वो देख के आओ। तो काफ़ी सारी पब्लिक भी आ रही थी तो अपन एंटर कर गए। 100 रुपये की टिकट लगी है इंडियन करेंसी में सिंगल बंदे की, बाकी तो आपने देख लिया जो चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा कुछ खास नहीं है यहाँ दिखाने के लिए, बाकी आप चल रहे हैं वापस बाइक के पास। का लंच हमने कर दिया था इसके, क्योंकि हमें डिस्टेंस पार करना था, अगर ये नहीं करते तो आगे के लिए हम लोग हो जाते लेट। तो अभी शाम के स्नैक्स हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, अभी से पहले ना मोमोज वगैरह निपटा लिए, तो लास्ट में सोचा कि एक एक बर्गर खा ही लेते हैं। तो वहाँ खड़ी है हमारी बाइक, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बाइक को देख के खुश हो रहे हैं, ये देखो है ना एक्साइटमेंट। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि नेपाल के अंदर खाने के साथ साथ ना बाइक का क्रेज बहुत है। यो 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 यो, क्या बात है भाजी, मस्त है रूम तो भाई, लिविंग लाइक किंग साइज होता है, मतलब ये प्यार है मेरी तो बहुत यादें हैं, क्योंकि इसी होटल में पहले भी रुका था, दोबारा रुक के बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये बालकनी मतलब मेरा फेवरेट था उस टाइम पे भी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि रात को आके सब भाई लोग यहीं बैठेंगे है ना। सही मतलब गोवा वाली याद आ गई, याद आ गई जनरली, बट गोवा में थोड़ा माहौल दूसरा था, यहाँ बनाना पड़ेगा। सही है, सही है, बहुत बढ़िया रूम है। हाँ। और यहाँ पे कौन है भाई, दिख भी रहा है, ओए दिख रहा है, ये देखो ये आते ही करने लगे दो नंबर, सब दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। ये दिखाता हूँ आपको बाहर का नजारा यहाँ पे, ये देखो बहुत बढ़िया बालकनी है, आराम से बैठ के यही पे एडिट करेंगे। यस। और ये नजारे वाव, और हवा और मौसम कितना अच्छा है, और पहाड़ सामने मजेदार आवाज अच्छी चल रही है। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था इसुजू लेके, भैया मेरे को ना मतलब होटल ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब होटल मिल तो रहे थे लेकिन उसमें पार्किंग नहीं थी, और जहाँ पार्किंग थी वहाँ के रेट इतने हाई थे कि हद से ज़रा। लेकिन आज जब बाइक से हम लोग ट्रैवल करें, पाजी को तो ऑलरेडी इतनी सारी नॉलेज है और पाजी बहुत बार आ चुके हैं तो इन्हें पता था यहीं रुकना है, आ गए, बहुत बढ़िया रूम है। तो अब बस खाना पीना खाएंगे, एडिट करने बैठ जाएंगे और उसके बाद यहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय करने जाएंगे बाहर, देखते हैं कि कैसा फील आता है, कैसा दिखता है, अगर हिम्मत बची तो अंदर। तो इस वीडियो को मैं फिर यहीं ख़त्म करो, अगर हम रात को घूमने गए तो मैं आपको इससे अगले व्लॉग में दिखा दूंगा, नहीं गए तो फिर सीधा सुबह निकलेंगे हम मनांग के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो, मिलते अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।